सागर जिले के बीना में भाजपा विधायक के भड़कने का मामला सामने आया है, साथ ही समर्थकों के साथ झड़प का मामला भी बताया जा रहा है। दरअसल ये तब हुआ जब एसडीएम ज्ञापन लेने बाहर नहीं आए, तो इस पर भाजपा विधायक भड़क गए और समर्थकों ने लोगों के साथ झड़प भी की। दरअसल बड़े हुए बिजली बिलों की शिकायत करने सोमवार को अपने समर्थकों के साथ भाजपा विधायक महेश राय तहसील कार्यालय पहुंचे थे और ज्ञापन लेने एसडीएम करोड़ीलाल मीना ने तहसीलदार को भेज दिया, जिससे विधायक भड़क गए और एसडीएम के चैम्बर में पहुंचकर उनके समर्थक एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जब विधायक ने एसडीएम से कहा कि आपकी नौकरी अभी नई नहीं है और एक एमएलए से बात करने का आपको तरीका नहीं है, विधायक ने यह भी कहा कि एसडीएम के रवैये की शिकायत कलेक्टर को कर दी है और विधानसभा में भी विशेषाधिकार के हनन का मामला रखा जाएगा। इधर एसडीएम ने ऐसी कोई बहस होने से इनकार कर दिया है। दरअसल सोमवार को विधायक महेश राय अपने समर्थकों के साथ बड़े हुए बिजली के बिल की शिकायत करने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे थे और वहां एसडीएम को ज्ञापन देना चाह रहे थे, तभी एसडीएम किरोड़ीलाल मीना ने खुद ज्ञापन न लेकर तहसीलदार प्रशांत अग्रवाल को ज्ञापन लेने के लिए भेज दिया। विधायक ने ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम को बुलाया, लेकिन वो अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकले। इसके चलते विधायक भड़क गए और वो एडीएम के दफ्तर में बात करने पहुंच गए और विधायक ने एडीएम को बाहर आकर लोगों की शिकायत सुनने व ज्ञापन लेने के लिए कहा। इस पर एसडीएम ने इनकार कर दिया। जानकारी लगने पर तहसील में खड़े कार्यकर्ता भी एसडीएम के दफ्तर में घुस गए और वहां पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। विधायक ने बताया कि जनता बिजली के बिलों से परेशान है और इसकी शिकायत करने एसडीएम के पास पहुंचे थे, लेकिन एसडीएम ने जिस तरह का व्यवहार किया है वो बहुत ही गलत व्यवहार है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।